न्यू अपडेट जो कि इंडियन बैंक डायमंड गेम में आ चुका है। और मुझे ना जैसे ये पता चलता है, मैं डायरेक्ट जाता हूँ गेम पे, अपनी गाड़ी लेता हूँ, पर मुझे वाली गाड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं अपनी फेवरेट गाड़ी ऑर्डर कर लेता हूँ 1990 डाल के, जो की है ये है ना मस्त गाड़ी। और मुझे जितना पता है नए अपडेट में कंस्ट्रक्शन वाली साइट आने वाली है, एक दो नई कार होंगी और एक दो बाइक होंगी शायद, तो मैं दूर दूर निकल जाता हूँ कंस्ट्रक्शन वाली साइट, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि वो कहाँ पे है। अब कंस्ट्रक्शन साइट दूरते दूरते तो मेरी एक बार गाड़ी पूरा ऐसे हो गई थी, और एक बार तो मैंने एक्सीडेंट ही कर दिया, वो भी फरारी के साथ, जो कि इस गेम में बिल्कुल भी रेयर नहीं है, नॉर्मल है भाई ऐसी गाड़ियां इधर पे। इधर पे अगर तुम लोग को फॉर्च्यूनर थार दिख जाए ना, वो रेयर है। तो मुझे कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढते ढूंढते हर दो मिनट में एक्सीडेंट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पुलिस की गाड़ी मंगाऊंगा तो लोग गाड़ी अपनी आप साइड करेंगे, क्योंकि सैन एंड्रियास में तो ऐसा होता है और वाई सिटी में भी, कि अगर मैं पुलिस की गाड़ी लेके चलूं तो लोग अपनी गाड़ी साइड में कर लेते हैं। तो मैंने वैसा ही किया, पुलिस की गाड़ी मंगाई और निकल गया कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढने, जो कि मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तब मेरे पास बस एक ऑप्शन था, मैं गया यूट्यूब पे, वहां पे वीडियोस देखे और मुझे पता चला कि वो शोरूम वाले एरिया पे है। तो मैंने जल्दी से गेम खोला, शोरूम वाले एरिया पे गया, पर उधर पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कि शायद मेरा गेम ही अपडेट नहीं हुआ है, मतलब इतनी देर से मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। तो मैं सबसे पहले तो जाता हूँ प्ले स्टोर पे और गेम अपडेट कर देता हूँ। हाँ सच्ची में अपडेट नहीं किया था तभी, तो मुझे लगा मैंने अपडेट कर दिया है, क्योंकि कभी कभी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब मैंने गेम तो अपडेट कर लिया था, पर ये गाड़ी मुझे अभी भी नहीं पसंद, तो मैं ये गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, मैं दूसरी गाड़ी लेता हूँ, पोर्शे द गैंगस्टर। तो मैंने अपनी पोर्शे द गैंगस्टर गाड़ी ली और निकल गया शोरूम के लिए, शोरूम वाले एरिया पे, और ये मेरे घर के पीछे से ही पड़ेगा तो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा, तो मैं यहीं से निकल गया। पर वहां पहुंचने से पहले पहले थोड़ा मेरे गाड़ी का नुकसान भी हो गया, जो कि कंपलसरी है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचने के बाद मैं ये सस्ते से रेटिंग ट्रैक में गाड़ियां घुमा रहा था, पता नहीं क्यों भी कर रहा हूं, बस मैं कर रहा था और मुझे मजा भी आ रहा था। पर इस मजे के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी थोड़ा और तोड़ दी। बाय द वे, फिर ये सब करने के बाद मैं थोड़ा गया कंस्ट्रक्शन साइट एक्सप्लोर करने, जिधर पे सीमेंट थी, सीमेंट की बोरियां थी, और इसे क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। वैसे अभी ये बिल्डिंग पूरा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट तभी तो बोलते हैं जब वो पूरा बना नहीं होता, जब बन जाएगा तो उसे तो बिल्डिंग बोलेंगे ना, क्या मेरे फालतू बकवास बहुत करता हूं ना मैं। वैसे इधर के लीवर्स के लिए कंटेनर हाउस भी था। वैसे फिर ये सब देखने के बाद मैं चले गया कंस्ट्रक्शन साइट की सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे, जहां से पूरा का पूरा वर्ल्ड नजर आता है। कहां से ऐसा मैं बोल पाता, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहां से, बल्कि मैं बिल्डिंग से गिर गया वो अलग, पर मेरा कैरेक्टर मरा नहीं है भाई, सरवाइव कर दिया। ये सारी पावर तो पोर्शे द गैंगस्टर से आई है हमारे कैरेक्टर को, पर दुख की बात ये है कि हमारे पोर्शे द गैंगस्टर की पावर इधर पे काम नहीं आई, इधर से गिरने के बाद हमारा कैरेक्टर मर गया, इधर पे हमारे पोर्शे द गैंगस्टर की पावर नहीं आई काम। इसीलिए मैं जब दोबारा स्पॉन हुआ ना, तो मैंने ये वाली गाड़ी ली जिसे मैं सबसे ज्यादा हिट करता हूं, और ये वाली गाड़ी भी कंस्ट्रक्शन साइट जाने से पहले पहले टूट गई, क्योंकि ये तो कंपलसरी है। वैसे कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचने के बाद मुझे दिखता है एक वाटर टैंक, जो कि शायद लेबरों को पानी पिलाती होगी, या फिर मुझे नहीं पता कुछ ना कुछ तो काम आता होगा यार, या फिर वो सीमेंट बनाने का कुछ तो काम आता होगा। मैं ये सब तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं यार, क्या बकवास करता हूं मैं, सॉरी। वैसे फिर मुझे एक्सप्लोर करते करते ये चीज दिखी, जो कि अबे यार मेरा कैरेक्टर एक तो गिरते ही रहता है हमेशा, ये टल्ली रहता है हमेशा, अजीब सा है या ग्लिच है जो भी है इस गेम में। तो मुझे वाली जगह थोड़ा पावरफुल सी लगी, मैजिकल लगी, तो मैंने इधर पे दो चार मंत्र मारे और मुझे जो दिखा, ये देखो ये वाली गाड़ी दिखी मुझे, शायद ये मेरे मंत्र मारने से ही आई है, तो मतलब ये गाड़ी मेरी हुई, मैं इससे कहीं भी चला सकता हूं और किसी को भी उड़ा सकता हूं। तो मैंने ऐसा ही किया, इस गाड़ी को ऐसा उड़ाया, ऐसा चलाया कि एक दो आदमी तो उड़ गए, मुझे पता भी नहीं वो जिंदा है कि नहीं है। बाकी ये मोहतरमा को देखो कैसे मेरी गाड़ी भी हो चुकी है, अलग ही ग्लिच हो गया भाई इस गेम में। वैसे हो सकता है शायद मुझे भगवान दूसरी गाड़ी देना चाहते हो इसलिए ऐसा हो रहा हो, और इसीलिए शायद मेरे को गाड़ी से भी उतार दिया, और मुझे उन्होंने एक फोन नंबर दिया था जिसे मैं डालूंगा तो नई गाड़ी आ जाएगी। 3005 डालने से एक गाड़ी आ जाती है। ओ ये देखो हमारी सेम टू सेम उसी टाइप की गाड़ी आ गई, और अभी ना मुझे इस गाड़ी से यहाँ पे तुम लोग को ये जो दिख रहा है ना, इसे पूरा करना है और इस गाड़ी का ड्यूबिलिटी टेस्ट करना है। तो मैंने ऐसा ही किया, पर पहली बार में मेरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मेरी गाड़ी ऐसे बुरी तरीके से फंस गई कि मैं इसे निकाल भी नहीं सकता। तो मैं गाड़ी से उतरा, वो नंबर डाला और एक और नई गाड़ी मंगा ले और वापस से करने लगा, और बहुत ही इजीली कर लिया मैंने। ऑलमोस्ट बस मुझे 10-15 मिनट लगे, पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और अब मुझे इस रैंप के थ्रू अपना गाड़ी जम कराना है, जिससे हमारी गाड़ी का स्टेबिलिटी टेस्ट होगा। तो मैंने पीछे से रन अप लिया और गाड़ी फुल स्पीड में लाया, और जो मेरे गाड़ी के साथ हुआ ना, गाड़ी तो ठीक है पर मेरा कैरेक्टर इसमें फंस गया। तो गाड़ी का नुकसान, राइट और लेफ्ट साइड का दरवाजा टूट गया, और गाड़ी के दरवाजे गाड़ी के नीचे आ गए, जो गाड़ी का वजन सह रहे थे, मतलब दरवाजे मजबूत हैं। पर मुझे क्या, मैंने इस गाड़ी को इस रॉकेट से उड़ा देता हूं। और अगर तुम लोग को इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी का सस्ता वाला गेम देखना है ना, तो तुम लोग ये वाला वीडियो देख लेना, जो कि सस्ता वाला रियल से भी अच्छा है। तो इफ इंटरेस्टेड यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। बाय द वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो।